हो गया 12 महीने का हमारा काम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरिः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय Sí.
शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचरणाधिगच्छति। नारायण समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय का छठा श्लोक चल रहा है। कल प्रतिपादन किया गया कि दार्शनिक और व्यावहारिक जगत में निपुणता के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण को आत्मसात करने की आवश्यकता है। 18वें अध्याय का अनुशीलन करें तो भगवान ने एक संदेश उपदेश दिया कि त्याग का बहुत महत्व है, परंतु त्याग के पीछे हेतु क्या है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हेतु के आधार पर ही त्याग के स्तर का आकलन उचित है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की दृष्टि से त्याग के तीन प्रभेद का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति श्री कृष्णचंद्र ने जो गुण के संबंध में भाव व्यक्त किया वह कुछ विलक्षण है। भगवत गीता के सिद्धांत में वो श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के सिद्धांत में सामंजस्य होने पर भी अवांतर प्रभेद है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया जिसका उल्लेख है, सात्विक राजस तामस तीन विभाग तो होते ही हैं लेकिन एक निर्गुण विभाग भी होता है। नीचे से ऊपर की ओर विचार करें तो तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण चार विभाग का वर्णन भगवान ने किया, जबकि गीता में तामस, राजस, सात्विक तीन विभाग का ही वर्णन है। एक बहुत जटिल पहेली है कि निवास इत्यादि के जो चार भेद श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में प्राप्त हैं, निवास का निर्गुण रूप क्या हो सकता है? इसका उत्तर
पाद विभूति महानारायणों के सब काम शीलन करने पर प्राप्त होता है। विशुद्ध सत्व की निर्गुण संज्ञा है। श्रीमद्भागवत के प्रस्थान में विशुद्ध सत्व को निर्गुण माना गया या त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद की अनुकृति है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विशुद्ध सत्व होता है वो निबंधक नहीं होता और निर्गुण निराकार भगवत तत्व का सर्व निराकार सर्वेश्वर के रूप में अभिव्यंजक सिद्ध होता है। गुण होने पर भी निबंधकता विहीनता के कारण विशुद्ध सत्व का नाम ही निर्गुण हो जाता है। यह एक अंतरंग तथ्य है। उदाहरण के लिए द्यूत सदन मदिरा निकेतन में या उसके आसपास निवास करेंगे तो तामस माना जाएगा। नगर में निवास करेंगे तो राजस माना जाएगा। वन में निवास करेंगे तो सात्विक माना जाएगा। भगवान ने कहा मन निकेतन, भगवान का अर्चा विग्रह विधिवत जहाँ प्रतिष्ठित है उसके समीप निवास करेंगे तो वह निवास निर्गुण माना जाएगा, अर्थात विशुद्ध सत्वात्मक माना जाएगा। गीता के 18वें अध्याय में एक विचित्र तथ्य है। कहीं मलिन सत्व का वर्णन भी सत्व के नाम पर है, कहीं विशुद्ध सत्व का वर्णन भी सत्व के नाम पर है। टीका आदि के माध्यम से इस तथ्य को नहीं खोला गया, विचारक पर छोड़ दिया गया मानो कि कहाँ निबंधक कोटि प्रविष्ट सत्वगुण का वर्णन है, कहाँ विमोक्षक सत्वगुण का वर्णन है। क्योंकि भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्णचंद्र का वचन है, सत्वं रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक वनामयम् सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन जानव आदि। तब यहाँ मलिन सत्वगुण मैंने बताया, जो सत्वगुण निबंधक सिद्ध हो जाए उसका नाम मलिन सत्व है। इसमें भी रहस्य है, सत्वं रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा। और सांख्य प्रस्थान से इसके सामंजस्य की विधा को प्राप्त करना चाहिए। गुणा प्रकृति संभवा का तात्पर्य क्या हो सकता है? प्रकृति के कार्य तो गुण है नहीं, प्रकृति का कार्य भातत्व तो हो सकता है। सत्व रजस तमस को प्रकृति का कार्य कैसे कहेंगे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वचन है तो अभिप्राय का अनुसंधान करना चाहिए। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा, कोई तत्वांतर परिणाम या प्रकृति से पृथक पदार्थ त्रिगुण नहीं है। त्रिगुण की साम्यावस्था का नाम सांख्य प्रस्थान में प्रकृति है। लेकिन महासर्ग के प्रारंभ में कालकृत क्षोभ के कारण प्रकृति के तीन विभाग हो जाते हैं, परंतु ये विभाग तत्वांतर परिणाम कोटि प्रविष्ट नहीं है। सत्व रजस्तम इति सर्व काल में सत्व रजस्तमस तीन विभाग प्रकृति का हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर तत्वांतर परिणाम का उल्लेख नहीं है। सांख्य शास्त्र का विधिवत गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करें कोई भी तत्व परिणामवाद के अनुसार भी अपने स्वरूप को अक्षुण रखता हुआ और कार्यांतर का जनक हो जाए तब परिणामवाद की सिद्धि होती है। परिणामवाद के दो भेद हैं, पंचदशी आदि के अनुसार विचार करें तो दुग्ध का परिणाम दधि है,
दूध से दही की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फिर दुग्ध का अस्तित्व पृथक से शेष नहीं रहता और दही का मिले स्थान फिर दुग्ध नहीं होता। इसलिए हम विचार करना चाहिए क्या सचमुच में दुग्ध का परिणाम दही है, अगर है तो किस प्रकार का है। दूध सर्वथा दही के रूप में परिणत हो जाता, फिर दही में दुग्ध होने की क्षमता नहीं रहती है, एक परिणाम का यह उदाहरण है। लेकिन प्रकृति से जब महत की महत से आम की आम से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, तब दुग्ध से दही की उत्पत्ति के समान नहीं। तो फिर क्या है परिणाम, बाद में भी विवर्त के सन्निकट परिणाम सांख्यों को मान्य है। विवर्त के सन्निकट परिणाम का अर्थ क्या होगा, अपने अस्तित्व को अक्षुण रखता हुआ, यथावत रखता हुआ तत्वांतर परिणाम का जनक हो जाए। तत्वांतर परिणाम को लेकर तत्व की संख्या में वृद्धि होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए तीन गुणों को लेकर तत्व की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। अतः संख्योत 24 पदार्थ जो अचित के हैं उद्योग्यों विद्यमान है। इसलिए सत्वम ददस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः, गुणाः प्रकृति संभवाः। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सांख्य सिद्धांत की शैली में ढालने की आवश्यकता है। यह सब उद्गम्य विद्या है। आजकल अपने आप पढ़ लेने की विधा चल पड़ी है। एक तो अध्ययन में रुचि ही समाप्त है, हो भी जाए तो अहंकार इतना है कि कोई किसी से पूछना नहीं चाहता। हम लोग विद्वानों के पीछे बड़े ला प्रेम से आस्था पूर्वक पढ़ जाते थे। उन दिनों संस्कृत बहुल क्षेत्र था, छोटे से गांव में भी दो चार व्याकरण के साहित्य के ज्योतिष के न्याय आदि के आचार्य मिल जाते थे। उनके पास जाकर हम लोग सीखते थे, वो बहुत सावभाव से सिखाते थे। आजकल जिज्ञासा विलुप्त हो गई क्योंकि अहंकार इतना हो गया, अगर मैं कुछ पूछूंगा तो इनकी दृष्टि में दूसरों की दृष्टि में मैं अविद्वान सिद्ध हो जाऊंगा। अविद्या को मूर्खता को अज्ञता को पालने की भावना तो है, उसे मिटाने के लिए जिज्ञासा नामक कोई चीज नहीं रह गई, या जो क्षुद्र व्यक्तित्व का व्यामोह है इसे दूर करने की आवश्यकता है। एक महान भाव का दिल्ली से संदेश आया, गोविंदानंद जी को मालूम है, मैंने अपने आप अध्ययन किया है, लेकिन शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है संप्रदाय वित्त होना चाहिए, सनातन गुरु परंपरा से अध्ययन को प्रामाणिक माना जाता है, तो सब संप्रदाय के अनुगत नहीं है, इधर उधर पढ़ के कुछ बोलता है लिखता है, वह विद्वानों की गोष्ठी में समादर योग्य नहीं है। उसने श्री गोविंदानंद जी महाभाग के माध्यम से मुझे संदेश दिया, एकांत में कोई दूसरा तीसरा ना हो, कम से कम एक घंटा मुझको कोई वेदांत का ग्रंथ पढ़ा दीजिए, ताकि मैं मेरा हृदय कह सके कि मैं संप्रदायविद हूँ, परंपरा से मैंने अध्ययन किया। तो मैंने कहा एकांत में दूसरा कोई ना तीसरा कोई ना हो तो अहंकार है, अहंकार को पालने के लिए अध्ययन किया। फिर उसका अंतरंग भाव ये होगा, कहीं मत बताइएगा कि मुझसे पढ़ा है, मुझे क्या जरूरत है कहने की कि मुझसे अमुक ने पढ़ा। मैं तो शिष्य उसी को कहता हूँ जो अपने को कहता है कि मैं इनका शिष्य हूँ, समझ, नहीं तो अपने शिष्य को भी गुरु ही मानता हूँ, इतना अहंकार आजकल है। तो मैंने कहा सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, गुण जो है वो प्रकृति के कार्य नहीं है, केवल कालकृत क्षोभ के बाद में प्रकृति जो साम्यावस्था को प्राप्त रहती है। महाप्रलय में सांख्यों के अनुसार वह प्रकृति तीन रूपों में अपने आप को उद्भासित करती है,
तीन रूपों को भाषित करने पर भी की संख्या में दो की वृद्धि नहीं होती। क्या हुआ? क्योंकि जो त्रिगुण है वो तत्वांतर परिणाम नहीं है, तत्वांतर परिणाम करना चाहिए। एक फिजिक्स के भौतिक शास्त्र विद्वान नासा के बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक, जिनको बाद में पता चला कि नासा के अन्य वैज्ञानिक भी गुरु ही मानते हैं, वो आए पुरी में 2 साल पहले, कहीं होटल आदि में मेरे पास 3 बार आए। तो मैंने एक प्रश्न किया कि आधुनिक जगत में, भौतिक जगत में वैज्ञानिक 120 तत्व मानने लग गए हैं, इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण करके आप बताओ कि सतमुच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, अहंकारी नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट कहा यह संविदा हमारे यहाँ है नहीं। ब्रह्मसूत्र के आधार पर मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। ऊपर श्रुति नीचे अनुभूति दोनों के अविरुद्ध युक्ति कालंबन लीजिए। फिर से सुनिए, ब्रह्मसूत्र इस बार में पढ़ा रहा था शंकर भाष्य भांति टीका सहित पुरी में, तो श्रोता भी मैं ही हूँ जो पढ़ाता है, सबसे बढ़िया पाठक तो वही होता है, विद्यार्थी भी वही होता है। हम 28 साल से श्रीमद् भागवत की कथा 1.5 घंटे नित्य श्रावण भाद्र महीने में पुरी में करते हैं, तो कोई ऐसा श्रोता नहीं जो प्रतिदिन सुने या याद भी रखे, तो श्रोता भी मैं ही हुआ ना। वक्ता जब स्वयं को श्रोता मान करके वक्तव्य देता है तब उसमें अहम नहीं पलता, और वैदुष्य की अभिव्यक्ति होती है। तो हमने संकेत किया, हमको बहुत बड़ा सिद्धांत हाथ लग गया, पहले मैं बोलता था लेकिन ब्रह्मसूत्र और शंकर भाष्य भामतीकार ने इस पर बल दिया है, यह तथ्य विदित होने पर और बलवान हो गया। कुछ गुरुदेव ने एकांत में बताया, ध्यान देकर सुन ही रहे आप, देखो मनन के माध्यम से बहुत से तथ्य हृदय में आते हैं, लेकिन मैं ग्रंथ या सभा में उसको तब तक व्यक्त नहीं करता जब तक कोई शास्त्र का वचन न मिल जाए या पूर्व प्रामाणिक आचार्य का वचन न मिल जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इतना गंभीर। कुछ गुरुदेव ने बताया, धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी भावभाग ने, मनन करते समय बहुत से भाव उच्छलित होते हैं, लेकिन लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से मैं तब तक उस भाव को नहीं व्यक्त करता जब तक कोई सिद्ध महापुरुष या श्रुति स्मृति पुराण इतिहास में उसका समर्थन न मिल जाए। उसका समर्थन मिल जाने पर मन को संतोष होता है कि यह जो तथ्य प्रकट हुआ है श्रुति युक्ति संभव है, सम्मत है। तो मैंने एक संकेत किया कसौटी ब्रह्मसूत्र में दिए गए कार्य कोटि प्रविष्ट जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक विलक्षण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि ऊपर श्रुति और नीचे अनुभूति, बीच में होनी चाहिए युक्ति, पंचदशी का ने एक कारिका या श्लोक के माध्यम से तीनों शब्दों को एक साथ लिखा है, श्रुति युक्ति अनुभूति। आजकल मैं भौतिकवादियों के बीच में 3 संस्कृत के पृथक शब्द का प्रयोग कर देता हूँ, श्रुति के स्थान पर दर्शन, युक्ति के स्थान पर विज्ञान, अनुभूति के स्थान पर व्यवहार। दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर लिखने बोलने की प्रथा। लेकिन प्रसिद्ध शब्द क्या है? श्रुति युक्ति अनुभूति। कुछ गुरुदेव ने एकांत में वृंदावन बिहारी भवन वाराणसी में 10 लगभग हम पढ़ने वाले थे, मेरे अतिरिक्त सबके साथ प्राय विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय के होते थे। कुछ गुरुदेव ने पढ़ाते समय मेरी ओर मुख करके कहा, ब्रह्मसूत्र तर्क पाद का अध्ययन चल रहा था, वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि भविष्य में भौतिकता बहुत बढ़ेगी, नास्तिकता बढ़ेगी,
उस नास्तिकता पर पानी फेरने के लिए मैं एक अमोघ उपाय बताता हूँ, इसको तुम विकसित करो। उन्होंने आशीर्वाद तो दिया ही, महापुरुष को आदेश देते हैं, उसके साथ साथ अंतर्गर्भित आशीर्वाद होता ही है। व्यक्ति को केवल है आदेश भी हो, लेकिन समझ लेना चाहिए कि हमारे औकात की सीमा के बाहर भी आदेश है, महापुरुष ने दिया है, उसके अनुपालन की शक्ति भी उन्होंने गुप्त रीति से दे दी। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कुछ लिखना बोलना उसे और विकसित करो, और विकसित कर क्या श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में सामंजस्य साध दो। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि विश्व में कोई ऐसा वाद या तंत्र नहीं है जो श्रुति युक्ति अनुभूति, दूसरे शब्द में दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध सके। मुझे गुरुदेव ने विश्वविदयी बना दिया। क्या हम जो कुछ बोलते हैं और लिखते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साधकर, मुझे बहुत प्रसन्नता है मुझे गुरुदेव की कृपा के कारण। मुस्लिम तंत्र क्रिश्चियन तंत्र कम्युनिस्ट तंत्र कोई भी मेरी बात का कहीं खंडन नहीं करता। आप कहेंगे कैसे मान 70 देश में कम से कम ये सब जो युवक लोग हैं बहुत त्यागी तपस्वी हैं, 70 देशों में 17 साल से लेकर 35 साल के व्यक्ति संदेश को सुनते हैं, मुसलमान भी होते हैं क्रिश्चियन भी होते हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा संदेश सुना जाता है, कहीं से कोई खंडन नहीं प्राप्त होता। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है गुरुदेव के एक वाक्य का अनुपालन करने के कारण जो कुछ बोलो लिखो श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर, दूसरे शब्दों में दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर। तो वेदव्यास भगवान जिनको बस कह सकते हैं कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास वादरायणाचार्य दो नहीं है एक कही है, आधुनिक विचारक पृथक पृथक मानते हैं लेकिन बद्री वन में रहने के कारण वादरायणाचार्य कहे गए, ब्रह्मसूत्र उनकी संरचना है। उसमें उन्होंने कहा लिखा सूत्र है ऊपर अनुभूति ऊपर श्रुति नीचे अनुभूति बीच में तदनुकूल जो युक्ति हो उसको आगमिक युक्ति कहते हैं, उसका समाधान कीजिए। अब उदाहरण है हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक दिन हमने यहाँ संकेत किया था, इनके माध्यम से एक एक विषय का ग्रहण होता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय का ग्रहण होता है। और हमने यहाँ संकेत किया था कि ये जो गुण हैं वो तो द्रव्यासित होते हैं, सब चंदन मणिता व्यंजन आदि के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये 5 विषय उनके अभिव्यंजक संस्थान 5 तत्व हो गए, उनको कहते आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, कार्य कोटि प्रविष्ट कोई छठा तत्व नहीं हो सकता। फिर से सुनिए कार्य कोटि प्रविष्ट कोई छठा तत्व नहीं हो सकता, अगर मान्य है तो 5 में उसका अंतर्भाव कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में तत्व निर्णय नामक एक अध्याय है, उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया वैदिक महर्षियों में भी पदार्थ गणना को लेकर या तत्व के आकलन को लेकर पर्याप्त विज्ञान है, कोई इतने तत्व को इतने तत्व को इतने तत्व को इतने तत्व का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया विदुषाम की मशोभनम, कोई वैदिक ऋषि हैं वेदों का प्रामाणिक मान उनको मान्य है, फिर उनके द्वारा तत्व की संख्या पृथक पृथक बताई गई है उसमें सामंजस्य कर लेना चाहिए। कहीं कारण में कार्य का अंतर्भाव, कहीं कार्य में कारण का अंतर्भाव, कहीं बिना अंतर्भाव। तत्व के प्रकाश की 3 विधा है,
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में कहीं कार्य कारण का विभाग पूर्वक वर्णन तो तत्व की संख्या अधिक हो ही जाएगी, कहीं कारण में कार्य का अंतर्भाव कर देंगे, कहीं कार्य में कार्य का कारण का अंतर्भाव कर देंगे, नाम में भी अंतर आ जाएगा, तत्व की संख्या में भी न्यूनता हो जाएगी। अंतर्भाव की दृष्टि से शांतिम अशोभनम जितने वैदिक ऋषि हैं उनके द्वारा जो परिगणित तत्व है उसमें सामंजस्य साधना चाहिए। अब यहाँ पर विचार होता है ब्रह्मसूत्र के अनुसार हमारी अनुभूति कहती है कि पांच ही कार्य कोटि प्रविष्ट तत्व होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, छठा श्रुति भी इस तथ्य का उत्पादन करती है श्रुतियों को, चाहे तस्मात्मा आकाश संभूता आकाशात वायु तैतृक उपनिषद में कोटि प्रविष्ट आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांच तत्वों का ही वर्णन है। प्रविष्ट आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांच तत्वों का ही वर्णन है। तब फिर पंच तन्मात्रा के ऊपर माने शब्द तन्मात्रा आकाश के भी ऊपर अहम तत्व की क्या गति होगी, महत्व की क्या गति होगी। संख्या प्रस्थान में ही नहीं वेदांत प्रस्थान में भी भगवद गीता आदि के अनुसार अहम तत्व और महत्व को कार्य कोटि प्रविष्ट माना गया। कहां पर महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव अष्टधा प्रकृति हो गई है, नहीं गीता में अष्टधा प्रकृति को ढालने की आवश्यकता है। 13वें अध्याय में यथावत अष्टधा प्रकृति का वर्णन है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः, जो सांख्यों के 24 अचित कोटि प्रविष्ट पदार्थ हो गए गीता के 13वें अध्याय के अनुसार। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च, ये क्रम से क्या हो गया अष्टधा प्रकृति का वर्णन। अब तन्मात्राओं में नीचे से गंध फिर रस फिर रूप फिर स्पर्श और फिर शब्द, जिसको हम गंध तन्मात्रा कहते हैं सांख्यों की शैली में, उसे वेदांत की शैली में अपंचीकृत पृथ्वी कहते हैं। उपनिषदों ने तन्मात्रा और अपंजीकृत भूत दोनों में सामंजस्य साधा है, एक उपनिषद है। इस प्रकार से शब्द तन्मात्रा माने अपंजीकृत आकाश, जिसको सांख्य की दृष्टि से शब्द तन्मात्रा कहते हैं उसको वेदांत प्रस्थान में अपंजीकृत आकाश कहते हैं। उसके ऊपर अहम तत्व, फिर उसके ऊपर महत्त्व, फिर कारण कोटि प्रविष्ट अव्यक्त जिसको प्रकृति प्रधान और वेदांत प्रस्थान में माया कहते हैं। मायां तु प्रकृति विद्या कहाँ श्वेता स्वतर उपनिषद, इन तीन तत्वों पर विचार करें तो सामंजस्य क्या होगा। आकाश में ही अहम तत्व का महत्त्व का अंतर्भाव हो जाएगा। तो वाक्य कितने भेद हैं, सरस्वती रहस्यो उपनिषद से बोल रहा हूँ, मैंने नाम क्यों लिया ग्रंथ का। कुछ लोग जो मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है वो कहेंगे कि बताना चाहते हैं मैं इतने ग्रंथों को जानता हूँ, यहाँ अहंकार नामक कोई चीज नहीं। अहंकार और विद्या में एक संकेत कर, अहम के गर्भ में जो चीज आ जाए वो स्वल्प होती है। अहम धनवान, मैं धनी हूँ, समझ लीजिए उसके पास बहुत सीमित धन है। मैं विद्वान हूँ, अहम के गर्भ में विद्या आ गई ना, बस बहुत अल्प विद्या है। अहम का अतिक्रमण करके जो सुख मिलता है उस सुख के सामने अहम गर्भित सुख का कोई महत्व नहीं है, पहली है। क्यों, अहम का अतिक्रमण करके भोग्य कोटि प्रविष्ट सुख का रूप क्या होगा, मांडू के अपने साथ गाढ़ी नींद में जो सुख मिलता है अहम कोटि प्रविष्ट है क्या। अहम इच्छा प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अनुसार अहम भी सो जाता है, मन बुद्धि चित्त ही नहीं अहम भी सो जाता है, तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। अहम सुखी या बुद्धि बन सकती है गाढ़ी नींद में क्या, और जागरण में स्वप्न में मनोराज्य की दशा में अहम सुखी या बुद्धि बन सकती है, लेकिन अहम के सो जाने पर भी सुख की अनुभूति होती है,
अनुभविता कौन है, हमसे अतीत हम की भूमिका से अतिक्रांत अनुभविता कौन है। और भाव जो समय सुख होता है, स्मरण ले लीजिए सुख भावनाश्रम न किंचित आवेदिशम मामप्य हम नाज्ञाशीषम। इसलिए मैंने संकेत किया अहम से ऊपर उठ करके व्यंजन संस्थान के बिना ही और हम के सो जाने पर जो सुक्ति प्राप्ति होती है सुसुक्ति में, उस पर हम इतने लड्डू होते हैं कि जागर स्वप्न मनोराज्य की दशा में सक चंदन बनता आदि के सेवन के माध्यम से प्राप्त प्रिय ही नहीं बोध ही नहीं अपितु प्रमेयोदय नमक सो की भी तिलांजलि देते हैं। तो हमने संकेत किया कि ग्रंथ का नाम मैं क्या लेता हूँ, निमसागर में था विवेकानंद जी वेदांताचार्य साहित्य रखते थे, उसे पूछता ये वचन कहाँ है, सेवा करो चरणों चरणों को छुमो कि कभी योग लगे मैं बताओ। तो हमने सोचा ये तो बड़े विचित्र है, महात्मा लोग बोलते नहीं। तब मैंने सोचा बड़ा विकट, इसलिए जिन जिन ग्रंथों को पढ़ कर मैं बोलता हूँ यह तक वहाँ है ऐसा कहने का अभिप्राय क्या होता है, सरस्वती की कृपा से कोई उस ग्रंथ को पढ़ के हमसे भी अधिक सूक्ष्म तत्व निकाल सकता है, सुगमता पूर्वक उसके समझ में आ सकता है, जो बात कही गई वो यहाँ पर पहले से है प्राप्त। इसलिए मैं श्रुति का नाम लेता हूँ, श्रुति का नाम लेता हूँ, ग्रंथों का नाम लेता हूँ। तो विषय चल रहा था शब्द तन मात्रा का अर्थ है पंचीकृत आकाश, उससे ऊपर अहम का अर्थ क्या होगा। तो सरस्वती राजोपनिषद में वाणी के तीन भेद हैं, नीचे से लेंगे तो क्या होगा वैखरी, फिर परा पश्यंती वैखरी मध्यमान, वैखरी के बाद मध्यमा वाणी नीचे से आरोह क्रम से, फिर जाकर पश्यंती, फिर परा, वाक्य चार भेद हैं। सरस्वती राशोपनिषद बहुत दिव्य उपनिषद है। अब थोड़ा विचार कीजिए मनोविज्ञान, एक वाक का नाम है पश्यंती, पश्यंती का अर्थ क्या हुआ जी, देखने का अर्थ में शब्द का प्रयोग हुआ या नहीं, वाणी से देखा जाना मूर्छा आ जाएगा वह आ जाएगी या नहीं, श्रुति ने लिखा पश्यंती वाणी। उपनिषदों में कहा गया है योगी जिस वाणी के द्वारा देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाणी है। अब चक्कर आ जाएगा कि वाणी से भी देखा जा सकता है, नेत्रों का विषय है ना, लेकिन पश्यंती वाणी करते हैं योगी जिस वाणी से देखते हैं। तो वैखरी के बाद कौन सी वाणी, मध्यमा वाक, मध्यमा वाक की निष्पत्ति अहम के द्वारा होती है, वैखरी वाक्य निष्पत्ति आकाश के द्वारा होती है, आकाश के द्वारा वैखरी वाक, वाकेंद्रीय है यानी आकाश से संबद्ध, उससे ऊपर उठेंगे तो मध्यमा वाक कहाँ पहुँच गए, अहम तत्व तक। क्योंकि अंतःकरण के जब दो विभाग कर लिए जाते हैं कौन कौन, कोष की दृष्टि से मन और बुद्धि, तो चित्त और अहंकार को कहाँ ले जाए, उपनिषदों में सामंजस्य साधा गया विवक्षावसात, मन में चित्त का अंतर्भाव कर दीजिए, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव कर दीजिए, या मन में अहम का अंतर्भाव कर दीजिए, बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव कर दीजिए, तो अंतःकरण के कोष की विवक्षा से दो ही विभाग हो जाते हैं, महत्त्व फिर ऊपर आ गया अहम तत्व से, वह पश्यंती वाणी। महत्त्व की भूमिका में, बुद्धि की भूमिका में पश्यंती वाणी की अभिव्यक्ति होती है, और मध्यमा वाक मन और अहम की भूमिका में मध्यमा वाक की अभिव्यक्ति होती है, और अव्यक्त कारण शरीर अव्यक्त की भूमिका में परा वाक की अभिव्यक्ति होती है। तो चार प्रकार के कौन हो गए, चार प्रकार की वाक, चार प्रकार के वचन हो जाते हैं, ऊपर से परा पश्यंती मध्यमा वैखरी,
इसीलिए केवल आकाश का नाम लेकर के तैतृय उपनिषद ने ऊपर के तीन का अंतर्भाव आकाश में कर दिया। तो सार क्या निकला, तत्व की गणना में हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूक्ष्म दृष्टि से पांच को मानेंगे कार्य कोटि प्रविष्ट, कारण कोटि प्रविष्ट हम अव्यक्त को मान लेंगे अथवा सीधे ब्रह्म को मान लेंगे। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः जो वचन प्राप्त हो और संगत लगाने में शक्ति का उल्लेख किए बिना प्रसन्न सिद्ध न हो उसका नाम आध्यासिक वचन। अग्नि के छूने पर जल गया, अग्नि ने आग ने मुझे जला दी, इस बात करेंगे तो आध्यासिक वचन हुआ या नहीं। अभ्यक्ति का पृथक उल्लेख न होने पर भी केवल शक्तिमान का नाम लेने पर शक्ति का ग्रहण हो ही जाता है। इसलिए भगवत पाद सेवावतार शंकराचार्य महाभाव ने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के भाष्य में लिखा, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। मुझे मुस्कान इसलिए आए, मेरे प्रवचन की नकल करना उसको याद करना बड़ा कठिन। श्री वामदेव जी महाराज पूज्यपाद ने कहा, ब्रेन हेमरेज हो जाए तुम्हारे प्रवचन को सुनकर के इतने उछल कूद यहाँ सभा मंदिर जैसा इसलिए हमारे प्रवचन की नकल नहीं कोई कर पाया। कारण क्या है, बोलने शैली विचित्र है। हमने संकेत किया कि पांच ही तत्व होते हैं कार्य कोटि प्रविष्ट, ऊपर हो गई श्रुति तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद वायु, नीचे हो गई अनुभूति, अनुभूति क्या हुई, पांच ही ज्ञान इंद्रियां हैं तो पांच ही भूत पांच ही विषय से दो सकते हैं। अब कोई कह सकता है कि वक्ता महोदय आप विकलांग हैं, बहुत अच्छा सब ढूंढा आजकल विकलांग के लिए दिव्यांग, ताकि किसी को ग्लानी ना हो। विकलांग के लिए रेलवे आदि में लिखा होता है रेल आदि में, विकलांग दिव्यांगों के लिए बढ़िया, ताकि उनको क्या हो ग्लानी न प्राप्त हो विकलांग के लिए। कोई कह सकता है कि आपके पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं आप विकलांग हैं, हम उत्तर देंगे चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड में देवता आदि जो भी हैं, मर्द लोग के किन्नर कुछ और ही हो गए महामंडलेश्वर आदि, किन्नर कोई यौन विशेष है वो दिव्य है, कहाँ की चीज कहाँ ला कर रख दिए इन्होंने अखाड़े वालों ने, बुद्धि की बलियाड़ी बहुत अच्छी बात है किन्नर एक विशेष योनि है मनुष्यों में, वो किन्नर भाव कहाँ से आ जाएगा, गंधर्व योनि है किन्नर योनि है लेकिन अखाड़ों की बलियाड़ी ये शंकराचार्य के सैनिक होते थे अखाड़े वाले, अब स्वतंत्र हो गए तो वो भी बिखर गए, शंकराचार्य के पास सेना नहीं, इनके पास कोई नायक नहीं, दोनों क्या नुंजपुंज हो गए। शंकराचार्य के पास सेना नहीं और उनके पास कोई नायक नहीं, वो अपनी ढपली बजाते हैं, शंकराचार्य अपनी ढपली बजाते हैं, किसी की बात गिरी नहीं जाते। हमने क्या संकेत किया, हमने संकेत किया हो उसको छठी इंद्री प्राप्त हो, छिया प्राप्त हो, हम समझेंगे हम विकलांग हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको छह ज्ञान इंद्रिय प्राप्त हो, बता पांच ही कार्य कोटि प्रविष्ट तत्व हो सकते हैं। ऊपर श्रुति नीचे अनुभूति में एकत्व की स्थापना हो गई। अब ब्रह्मसूत्रकार ने भ्रांतिकार ने आनंद गिरी जी ने भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने संकेत किया, तदनुकूल युक्ति को ढूंढिए। तब सार क्या निकला, छे कारण कोटि प्रविष्ट एक तत्व, कार्य कोटि प्रविष्ट पांच तत्व, कार्य कारणातीत एक तत्व, सात से अधिक तत्वों की सिद्धि नहीं हो सकती। कार्य कोटि प्रविष्ट पांच तत्व, कारण कोटि प्रविष्ट एक तत्व, कार्य कारणातीत एक तत्व, सात से अधिक तत्वों की गणना नहीं हो सकती। इसलिए तत्वों की संख्या निर्धारण करने में मूल तत्व कौन हो सकता है, उसमें कृषि विज्ञान है एक दर्शन विज्ञान है, दोनों विज्ञान में सामंजस्य। 109 पेज लिखने के बाद धारा उसी चल गई,
कृषि दर्शन नामक मेरा ग्रंथ है, कंप्यूटर में लटका हुआ। आप कहेंगे हल चलाए, हम लोग तो हल चलाते नहीं थे, ब्राह्मण लोग हल नहीं चलाते थे पहले कभी, हमें बचपन के बाबा है हल चलाने की बात ही नहीं थी। कृषि पर हाँ, कृषि दर्शन नामक ग्रंथ लिखने का विचार है, 109 पेज लिख चुके हैं, ग्रंथ अगर 400-500 पृष्ठों में हो गए। अतिरिक्त परंपरा भी है, दोनों में सामंजस्य भी है। क्या संकेत किया? सात तत्व पांच कार्य कोटि प्रविष्ट, एक कारण कोटि प्रविष्ट, एक कार्य कारण तीन, तो तत्वों की संख्या में मूल तत्व कौन हो सकता है, अंतिम तत्व कौन हो सकता है, इसकी कसौटी दी गई, जो कि आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के नहीं है, इसलिए उनके यहाँ एलिमेंट्स के भेद हो गए। आजकल 120 हम लोग पढ़ते थे तो 108, अब 120 हो गए। उनमें कार्य कारण भाव निर्धारण की क्षमता नहीं है वैज्ञानिकों में, और ये इधर के जो विद्वान है उनको विज्ञान से चिर है, विज्ञान का कुछ पता नहीं। अगर दर्शन शास्त्र का गुरु परंपरा से अध्ययन करने वाला व्यक्ति बैठे, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री आदि के और गणित के विद्वान बैठे, उनकी बात आस्था पूर्वक अपना पूर्वक हम लोग सुने, हमारी बात वो सुने, तो वैज्ञानिक जगत में आमूलचूल दिव्य परिवर्तन हो सकता है। तीन शब्द में बोल गया, वो जो सत्व रजस तमस के लिए हमने निर्धारित किया था, अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं भूल गया मैं, हाँ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जो तीन है इनका लक्षण लिखेंगे तो सत्व रजस तमस में जाके चरितार्थ हो जाएंगे। फिजिक्स के जो तीन तत्व हैं वो दर्शन शास्त्र में सत्व रजस तमस तीन गुण के वाचक हो जाते हैं। इस प्रकार तालमेल अगर बैठाया जाए तो पूरे विश्व को एक दिव्य विज्ञान का मार्ग प्राप्त हो सकता है, तो हमने संकेत किया। अब मूल कारण किसको कह सकते हैं, अंतिम कार्य किसको कह सकते हैं, इस पर 5-7 मिनट भाव व्यक्त करूंगा। साधा जो तत्व अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य को उत्पन्न न कर सके, वो अंतिम तत्व होता है कार्य कोटि प्रविष्ट। ये नियम है, ये वृक्ष इत्यादि है, ये तत्व नहीं है, तत्वांतर परिणाम नहीं है। तत्वांतर परिणाम एक पारिभाषिक शब्द है सांख्य दर्शन की दृष्टि से, सांख्य कारिका की दृष्टि से, अधिक विशेषता संपन्न वस्तु का नाम है तत्वांतर परिणाम। अधिक विशेषता संपन्न वस्तु का नाम है तत्वांतर परिणाम। पृथ्वी में कितने गुण हैं, कारण के गुण कार्य को प्राप्त हो जाते हैं, ये क्या है, वैश्य सिद्धांत बनिया वृत्ति, और ये क्या है ब्राह्मण वृत्ति, ये क्या है व्यापार वृत्ति, ये क्या है शास्त्र वृत्ति। शास्त्र से लाभ उठाना चाहिए या नहीं, क्या मतलब, कारण के गुण कार्य को प्राप्त होते हैं। अपना गुण एक एक है, आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, तेज का गुण रूप है, जल का गुण रस है, पृथ्वी का गुण गंध है, कारण के गुण कार्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो पृथ्वी को शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण प्राप्त हो जाते हैं, बनिया वृत्ति है या नहीं, दर्शन शास्त्र भी है। एक व्यक्ति से मैंने कहा, छत्तीसगढ़ का मिलता नहीं है, धनी हो गया हो तुम, आर्थिक संकट झेल रहे हो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति बहुत है, आप क्या कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं सन्यासी हैं हम वैश्य हैं, उनका बता, हम जब तक पढ़ लिख नहीं लेते, हमारा विवाह नहीं हो जाता, तब तक पिता की संपत्ति पितामह की संपत्ति के उपभोग का हमको अधिकार रहता है, हम लोग अधिकार मानते हैं। उसके बाद उत्तराधिकार के रूप में चाहे करोड़ों रुपये हमें प्राप्त हों, उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का भोक्ता होते हैं, पिता पितामह के द्वारा दी हुई संपत्ति का उपभोक्ता हम बन जाएंगे,
विवाह हो जाने के बाद भी, पढ़ लिख जाने के बाद भी, तो हम वैश्य नहीं कहे जाएंगे, हमने मन से उसको गुरु बना लिया। बढ़िया, तो मैं एकांत में चक्राणी लगा एक बार, उस गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ, धर्म सम्राट कर्पाती जी महाराज का ध्यान गया, और फिर पीठ की दृष्टि से पूज्यपाद श्री रंजन देवत्री जी महाराज का शिष्य हूँ, उनका उत्तराधिकारी, उनसे पढ़ा भी अच्छे साथ, और आदर कर देते हैं, तो स्पीड आचार्य को हुए वैदिक मैथमेटिक्स भी इसको देने वाले भारतीय कृष्ण जी महाराज, सबसे हुए पद्मपादाचार्य जी महाराज, जिन्होंने पंचपादिका नामक ग्रंथ दिया विश्व को। अब मैंने सोचा कि बनिया वृत्ति से तत्व गणना की दृष्टि से मुझे कितना विद्वान होना चाहिए, कितना प्रश्न करना चाहिए, ध्यान गया, ये नहीं कि मैं कितना पढ़ा होगा, मैं नहीं देखता। अब हमको जो गुरु परंपरा प्राप्त हुई है, पद्मपादाचार्य जी कहाँ, राजा भोज कहाँ, भदवा तेली पुरानी कथा है, कहाँ पद्मपादाचार्य जी और कहाँ आर्य शंकराचार्य के बाद छोड़ के ही बोल रहा हूँ, गद्दी के पीछे से कहाँ पद्मपादाचार्य, लेकिन सास नहीं छोड़ना चाहिए। पद्मपादाचार्य जी ने जो ज्ञान विज्ञान दिया उसको धारण करना, विकसित करना हमारा हुआ या नहीं। शक्तिपात की दीक्षा विश्व को किसने दी, मधुसूदन त्रिजी महाराज, उनको विमला भगवती पृष्ठ के अधिष्ठात्री देवी सिद्ध थी, और आज विश्व में जो दम्भियों को छोड़कर एक दो रह गए शक्तिपात वाले, 108 वर्ष के महाराष्ट्र के ब्राह्मण आके मठ को प्रणाम करने आए, हमने कहा 108 वर्ष क्या, यह मठ शक्तिपात की दीक्षा का केंद्र है, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूँ, मुझे शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त। फिर परकायक प्रवेश पर उन्होंने 45 मिनट हमसे पूछा, हमने उत्तर दिया, इसका मतलब क्या, मधुसूदन त्रिजी महाराज इस युग में, ये शताब्दी में परकायक क्या कहते हैं, शक्तिपात की दीक्षा का आविर्भाव उन्होंने किया, नहीं तो लुप्त हो गई थी। अब हमारा कितना दायित्व हो गया जी, अपने व्यास से मैं कुछ संकेत करना चाहता हूँ, पूज्यपाद के जो शिष्य मैं भी माता के समान ही मानता हूँ। अब थोड़ा विचार कीजिए, पद्मपादाचार्य जी का ज्ञान विज्ञान एक, पद्मपादाचार्य जी का जहाँ जहाँ वर्णन है, भगवान शंकराचार्य नभो मार्ग से गमन करते थे, उस समय पद्मपादाचार्य होते थे, निसिंह भगवान को सिद्ध थे, यानी आकाश गमन आदि की क्षमता भी पद्मपादाचार्य जी में थी। जहाँ जहाँ शंकर दिग्विजय में भगवान शंकराचार्य महाराज ने नभो मार्ग से गमन किया, वहाँ वहाँ पद्मपादाचार्य साथ में थे, सबसे प्रथम शिष्य भी पद्मपादाचार्य जी थे, नृसिंह भगवान उनको सिद्ध थे। अब कितना दायित्व हो गया, नृसिंह भगवान भी सिद्ध होना चाहिए, आकाश गमन की योग्यता भी आनी चाहिए, पद्म कम से कम पद्मपादिका पढ़ने और पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए, और ज्ञान को विकसित न कर सके पूर्ण मदा, इतनी क्षमता चाहिए, प्रतिवादी शक्तिपात की क्षमता भी चाहिए। तो भारतीय महाराज को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, तो विश्व गणित में भी पारंगत होना चाहिए, उस विद्या को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिपाद गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाराज, अभी इतना ज्ञान विज्ञान को संभाल लेना, बचा लेना, उसे अधिक देना, भी कर रहे हैं, कितना बड़ा दायित्व है। हमने संकेत किया, इस दृष्टि से अपने गुरुओं को देखना चाहिए। गुरु की महिमा तो बहुत गाई जाती है, ध्यान दे रहे हैं ना, जगह है ना हमारे, ये स्वामी जी क्या नाम है, नया नाम है, अनंत देव जी महाराज, श्री वामदेव जी महाराज की जयंती मनानी चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जयंती मना के छोड़ ना दें। उनमें जो ज्ञान विज्ञान था एक, उन्होंने जो श्री राम जन्मभूमि आदि के लिए काम किया दो, वो परंपरा भी चलनी चाहिए। अब हो क्या गया, महापुरुषों का जन्मदिन मना लो, निर्माण दिन मना लो, श्रद्धांजलि दे दो, इस पर ध्यान नहीं जाता कि हम पर दायित्व क्या है। जब हम उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो जो उन्होंने ज्ञान विज्ञान विकसित किया उसको और विकसित न कर सकें तो कम से कम उसको तो धारण कर सकें। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, जन्मदिन भी मनाते हैं, निर्वाण दिन भी मनाते हैं, परंपरा लुप्त होती जा रही है,
गुरुओं की परंपरा लुप्त होती जा रही है, इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत कितना दायित्व हो गया जी। फिर कुछ पद कटपात्री जी महाराज माने दो मिनट बोली तो महाराज के बारे में, कोई लेखक होता है तो वक्ता नहीं हो पाता। प्रवक्ता ब्रह्मचारी जी महाराज हमको बहुत मानते थे, लाड प्यार देते थे, बहुत ऊंचे लेखक लेकिन वक्ता। और राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े वक्ता लेखक, वो दूसरों से अपने भाग को लिखवाते थे, मुझे चित्र मालूम है, दो महीने साथ में था। कोई वक्ता होता तो लेखक नहीं, कोई लेखक होता तो वक्ता नहीं। हमारे कुछ गुरुदेव लेखक भी एक नंबर के, वक्ता भी एक नंबर के। उसके बाद शास्त्र पढ़ाने की क्षमता सब में नहीं होती, लेखक भी हो वक्ता भी हो और वेदांत शास्त्र पढ़ाने की क्षमता भी हो, यह और दुर्लभ है। उसके बाद नाम शास्त्रार्थ की क्षमता भी हो, अपने पक्ष को विश्व से बुलंदी के साथ रखने की भावना हो कि कोई भी आतंकवादी अराजक तत्व या फिसला हुआ व्यक्ति हमारे धर्म पर सिद्धांत पर उंगली उठाने का साहस न कर सके। उसके बाद क्या हो, शासन तंत्र और व्यासपीठ के शोधन की क्षमता भी हो। फिर क्या होनी चाहिए, कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करने की क्षमता, कालक्रम से बौद्धारी दर्शन के चपेट में आकर विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को क्या करना विशद करने की क्षमता, इतनी क्षमता होनी चाहिए। कुछ गुरुदेव में सब प्रकार की क्षमता थी। तब हम वचन को विराम देते हैं, जो वस्तु या कार्य तत्वांतर परिणाम अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके, समझ लीजिए वही अंतिम कार्य है। तो पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता वाली छह गुण संपन्न किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, वो जो सामर्थ्यहीनता है वो भगवत प्रदत्त है, अंतिम तत्व है। इसलिए सबसे पहले मैंने शब्द सुना था पूज्यपाद से, पृथक नहीं होना चाहिए, जिनसे जो ज्ञान मिले उनका नाम लेना चाहिए। विनियोग में क्या बहुत बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी भी हैं, उपासक भी हैं और भागवत के प्रवक्ता भी हैं। एक दंडी स्वामी ही इनको एक आश्रम दे गए, सदगृहस्थ हैं, उसमें दंडी स्वामी ब्राह्मण ब्रह्म संतों का विद्यार्थियों का पोषण करते हैं, बिना मांगे जो दक्षिणा मिलती है कर्मकांड में, घर चले अपने बेटे चला गए, घर में रहते भी नहीं, उससे दंडी स्वामी ब्राह्मणों का पोषण करते हैं, भवन आदि भी। ऐसे ब्राह्मण दो चार भी भारत में हों तो कुछ गुरुदेव की इन्होंने सेवा बहुत की। तो हमने एक संकेत किया, ये वृक्ष इत्यादि क्या है जी, सबसे पहले विनियोग में ऋषि का नाम लिया जाता है नहीं, छंद का नाम लिया जाता है या नहीं। तो ऋषि का नाम नहीं लेंगे तो ग्रंथ पुराणों में लिखा है, ऋषि का नाम नहीं लेंगे तो सफल नहीं होंगे। इसलिए एक व्यक्ति ने हमसे दीक्षा ली से विद्या, दंडी स्वामी है कहीं संभल के, बाद में आकर क्या पूछा मालूम है, कोई ऐसी योग्यता नहीं, पहले हल भी चला चुके होंगे, पूछा कि मैं गुरु में, गुरु में किसका नाम लूँ, हमने कहा अपना नाम लूँ, अहंकार की पराकाष्ठा। मैंने ऐसा भी नहीं कि कोई विद्वान हो कुछ, लेकिन इतना अहंकार कि दंडी स्वामी हूँ। श्री वामदेव महाराज की सिफारिश से कुछ गुरुदेव से दंड प्राप्त किया, बहुत बढ़िया बात है, दंडी स्वामी हूँ। मैंने कहा गुरु के स्थान पर अपना नाम दिया करो, मैंने उसको एक ग्लानी थी कि मैं इतना घटिया हूँ, मेरा नाम कैसे लेगा, तो मुझ पर कृपा करी क्या, तुम श्री विद्या की दीक्षा हमसे ली है, हमको तो श्री विद्या का अभिषेक भी प्राप्त है, हम तो ये नहीं कहते श्री विद्या का ही नाम ले लें तो हजारों व्यक्ति चेला बनने के लिए विद्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए आ जाए, हमको तो श्री विद्या का महाभिषेक भी प्राप्त है, पूर्ण दीक्षा भी प्राप्त है। हमसे कहा कि किसका नाम लो, तो हमने कहा अपना नाम ले लिया करो, धर्मानंद जी महाराज अपना नाम ले लिया करो। हम वो देखने लगे, हमने कहा इसमें भी अहंकार, तो हमने क्या संकेत किया। इसलिए पूज्यपाद जी के मुँह से मैंने मुखारविंद से सबसे पहले सुना तारतम्य संघात, बाद में भाष्य पढ़ाते समय पढ़ते समय या शब्द शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रदत्त मिला तारतम्य संघात,
ये जो वृक्ष इत्यादि हैं और पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम नहीं है, क्योंकि इनमें कोई छठा गुण छठी विशेषता शब्द स्पर्श रूप रस गंध का तृप्त नहीं है, ये तत्वांतर परिणाम। तैदी बात अंतिम ऊपर, समय बहुत हो गया, ऊपर क्या है निर्विशेषता की अवधि प्रथम कारण होना चाहिए, निर्विशेषता की अवधि। अब चलिए कहाँ गए, पार्थिव प्रपंच का नाम क्या हो गया, तारतम्य संघात, तत्व नहीं है, छठा तत्व नहीं है। अब हम पृथ्वी से ऊपर गए, जल पर, दस पर गए, तेज पर, तेज पर गए, वायु पर, ज्ञान आ गया, आकाश का अपना गुण को, तो वायु में जब दो गुण है शब्द और स्पर्श, दो से एक कारण करेंगे तो एक होगा या नहीं। आकाश में एक गुण है शब्द, अब जीव गणित की दृष्टि से आकाश का कारण कौन होगा, ज्ञान या दर्शन विज्ञान, दोनों में कोई लगाना पड़ेगा या नहीं। वन में कर दो जीरो, एक से एक कारण करेंगे तो शून्य होगा, अर्थात इसमें एक भी है ना, एक विशेषता में होते ब्रह्म हो गया। तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश संभूतः, किस विज्ञान के अनुसार विचार करें तो बीज, बीज आकाश का बीज हो जिसमें शब्द भी अंतर्गर्भित ही हो, वो कौन हो सकता है, अव्यक्त। इसलिए अव्यक्त को मान लेंगे किस विज्ञान के अनुसार, और गणित विज्ञान के अनुसार वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, अब दोनों में सामंजस्य माने सर्वथा निर्गुण निर्विशेष आकाश का कारण हो सकता अधिष्ठानात्मक उपादान। अब हम गणित के दृष्टि से एक दो बात कहकर विराम देते, कहाँ से बोल रहे, मुद्गल पुराण, मुद्गल पुराण में एक दंत शब्द लिया गया, एक दंत कौन है, गणेश जी है, एक दंत में एक और दंत शब्द है, एक से तो हम परिचित है, दंत क्या हुआ, एक माने माया, दंत माने ब्रह्म शून्य, एक का अर्थ होता है माया, और वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक से एक कारण करने पर शून्य बचा, निर्विशेषता की अवधि जो है वो दंत शब्द का अर्थ होता है। इसलिए वेदांत प्रस्थान में शून्य जो है, शून्य का अर्थ क्या है, जहाँ जाकर अन्य सब शून्यता को प्राप्त होते हैं, बौद्ध दर्शन भी यही कहता है, हमने बौद्ध दर्शन पर भी ग्रंथ लिखा है, एक ग्रंथ 400 पेज में कंप्यूटर में लटका हुआ है, एक छोटा सा ग्रंथ प्रकाशित है, बौद्धों का सिद्धांत यह है शून्य का अर्थ होता है जिसमें अन्य जाकर समा जाते हैं, शून्यत्व को प्राप्त होते हैं, जो स्वयं शून्य ना हो, और जिसमें अन्य जाकर समाकर शून्य हो जाए उसका नाम होता है शून्य। तो हमने संकेत किया निर्विशेषता की अवधि, बीज की कौन सी चीज हो गई, बीजावस्था, इसलिए मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते यह जगत भी परिवर्तते। अब आप कहेंगे कि इस श्लोक का क्या हुआ, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमात्मयोगतः कालक्रम से हरा।